गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग ऑन चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन. दिस इज द लेक्चर 2. इन द लास्ट वीडियो वी ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंशिएशन. लास्ट वीडियो में हमने इसके फॉर्मूले किए थे और साथ में मैंने आपको रूट वाले क्वेश्चन कराए थे. आज हम इसके प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल को डिस्कस कर रहे हैं. वट इज प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? प्रोडक्ट रूल में आपके पास u इंटू वी टू फंक्शन होते हैं. हमारे पास तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले डेरिवेटिव होता है u. u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u. क्लियर? प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या होता है? u एज इट इज v का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव. ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट रूल. फिर होता है हमारा क्वोशेंट रूल. क्वोशेंट रूल ये होता है u अपॉन v. ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वोशेंट रूल. इसमें आपके पास क्या होता है? v का स्क्वायर. ठीक है, फिर यहाँ पे v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v. तो हमारे पास इस एक्सरसाइज में जितनी बार भी हमें डिफरेंशिएशन करना है, अगर टू फंक्शन हमें प्रोडक्ट में नजर आएंगे तो हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है. अगर डिवाइड में नजर आएंगे तो हमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है. क्लियर? तो आपको u इंटू वी और क्वेश्चन रूल अच्छे से पता होना चाहिए. अब मैं इसका एग्जाम्पल एक ही कराती हूँ कि प्रोडक्ट रूल हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें है x इंटू साइन एक्स. इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट एक्स. मैंने विद रिस्पेक्ट आपको लास्ट टाइम बताया था कि विद रिस्पेक्ट का क्या मीनिंग है, क्योंकि ये फंक्शन जो है एक्स के रिस्पेक्ट में है तो उसे हम बोलते हैं विद रिस्पेक्ट एक्स. ये क्या है? यू इंटू वी. अब हमारे पास क्या होता है? आपने किसी को भी यू मान लेना, किसी को भी वी मान लेना. ठीक है, जैसे मान लो मैंने यू इसको ऐड कर लिया और वी इसको. ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? वैसे मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो होता है ना, एक होता है आई एल ई टी एस. ठीक है, इंटीजर, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और हमारे साइन फंक्शन जो भी होते हैं, ये इस बेस पे हम देखते हैं. बट अभी हम यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये मैं बाद में कर पाऊंगी. यू इंटू वी, तो यहाँ पे मैंने यू इसको ऐड किया. अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? यू एज इट इज, तो यू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वी. वी हमारा क्या है? साइन एक्स. ठीक है, प्लस वी एज इट इज, वी क्या है हमारा? साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स. ठीक है, एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन. तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हमारा क्या आ गया यहाँ पे? आंसर. ठीक है, तो ये हमारा क्या था? प्रोडक्ट रूल. ये हमारा क्या था? प्रोडक्ट रूल. अब मैं कोई क्वेश्चन कराती हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स. इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. अब क्वेश्चन रूल क्या होता है? यू अपॉन वी, वी का स्क्वायर. तो वी का स्क्वायर यहाँ पे वी हमारा क्या रहेगा? एक्स का स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद वी, वी क्या है? एक्स डेरिवेटिव ऑफ यू. यू क्या है मेरा? ये पूरा फंक्शन मेरा ऊपर वाला यू है. दिस इज यू, दिस इज वी, राइट? तो हमारे पास u क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस u एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एज इट इज. डेरिवेटिव किसका करना है? v का, मतलब कि x का. डेरिवेटिव किसका करना है? x का. अब देखो x डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? लास्ट टाइम वीडियो में बताया था एक्स एन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन. तो x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? टू एक्स टू माइनस वन, टू एक्स, राइट? तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर? टू एक्स प्लस टू एक्स क्या होगा? क्योंकि x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? वन होता है. तो टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? वन. ठीक है, डिवाइड में x का स्क्वायर. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स को टू एक्स से टू एक्स स्क्वायर, एक्स को टू से टू एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर। अब हाँ यस, अब देखो यहाँ पर बाहर हमारा माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये जो यहाँ पे जो भी कैंसल हो रहा है हम इसे कैंसिल कर सकते, टू एक्स से टू एक्स कैंसल हो रहा है, जैसे टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन रूल। सबसे पहले क्वेश्चन रूल के लिए भी और प्रोडक्ट रूल के लिए भी आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। मैंने लास्ट जो थी वो इंट्रोडक्शन ही दी थी डिफरेंशिएशन की, कि साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस टेन है साइन एक्स, टेन एक्स का सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स टेन एक्स, को सेकेंड एक्स का कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है। तो ये चीजें क्लियर होंगी तभी आप कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन डेरिवेटिव यस, ई एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो ई एक्स ही होता है। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल हम कहां अप्लाई करेंगे, जब आपको लगेगा कि डिफरेंशिएशन जो हमारी स्टेटमेंट गिवन है वो प्रोडक्ट में गिवन होगी तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, जब डिवाइड में गिवन होगा तो हमारा क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, राइट। तो ये चीजें थी कि प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल हमारा कहां अप्लाई होगा। अब लास्ट टाइम मैंने रूट का क्वेश्चन कराया था, मैं आज एक बार एक और रूट का क्वेश्चन कराती हूँ। यस, फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके स्टेटमेंट है। तो आपको इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है वन अपॉन टू रूट एक्स, राइट। तो आपने क्या करना है, डोंट बी कंफ्यूज कि इतने सारे रूट्स हैं, आपने पहले फर्स्ट रूट ले लेना। तो वन अपॉन टू क्या आ जाएगा, देखो रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, जो कि जो यहाँ पे होता है वो एज इट इज हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये एज इट इज हमें नीचे लिखना होगा, फोर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन क्या कहता है, पहले ऊपर वाले की करो रूट की, फिर उसके अंदर फंक्शन की डेरिवेटिव करो। तो अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, हमने पहले रूट को हटा दिया, अब हमारे पास अंदर क्या बचा, फोर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, फोर प्लस एक्स स्क्वायर। अब वन अपॉन टू फोर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया। अब फोर क्या है, कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे इसका तो जीरो है, अब इसको मान लो, आप मान लो यहीं पे कि ये जीरो है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो ये रूट आ गया, ये फंक्शन एज इट इज इंटू वन अपॉन टू पूरा एज इट इज फोर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब डिफरेंशिएशन किसका रह गया, इस अंदर वाले का, फोर प्लस रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोबारा से डिफरेंशिएशन ये एज इट इज सेम रहेगा, ये सेम लिखना, इसका क्या हो जाएगा, फोर का जीरो, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखू वन अपॉन टू फोर प्लस यस रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर वन अपॉन टू फोर प्लस एक्स स्क्वायर। और रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, वन अपॉन टू रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन अपॉन टू रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर। और फोर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रह गया, अब फोर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, फोर का जीरो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स। तो फोर का जीरो मैं यहीं पे कर देती हूँ, ये एक्स स्क्वायर का हमारा क्या है, टू एक्स। तो यहाँ पर हमारा ये सब चीजें क्या आ गई, इसकी आंसर आ गई, हम इसको कटिंग कर सकते हैं, जैसे टू से टू हमारा जो है कट हो रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया,
आंसर क्या आया है, आंसर x इक्वल्स टू 2 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में चाहे 2 2 4 बाहर एज इट इज लिख दो, 4 root 4 plus 4 plus एक्स स्क्वायर और √4 plus x² ठीक है। तो ये चीजें हमारी जो थी वो क्या होगी, हमारे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगी रूट के अंदर, हम कैसे रूट को कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है। तो ये जस्ट एज इट इज सिंपल क्वेश्चंस थे, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको डिस्कस करवाती हूँ चेन रूल क्या होता है। चेन रूल एक होता है हमारे पास चेन रूल, देखो चेन रूल में क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है कि चेन बनती है। कैसा होगा कि एक फंक्शन होगा ऐसे, क्या दिया होगा u इक्वल्स टू, जैसे दे दिया इन्होंने मतलब हमें निकालना dy by dx ठीक है। तो जैसे मान लो u दे दिया हमें 2 plus x² ठीक है, u दे दिया 2 plus x² ठीक है, और v दे दिया 2 plus y² तो हम यहां से क्या निकालेंगे, पहले du by dx, यहां से निकालेंगे dv by, यहां पे भी मान लो x² ही है, x² plus 5 यहां पे dv by dx। अब लास्ट में क्या करना होता है, इनके चेन रूल का क्या मतलब होता है कि इनकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, बट अंदर की फंक्शन जो है वो अलग अलग है। तो ये चीज ना मैं लास्ट नेक्स्ट वीडियो में चेन रूल्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन कराऊंगी, आज मैं प्रोडक्ट और क्वेश्चन की ही क्वेश्चन करा रही हूँ, लेकिन ये है कि ये आपको अप्लाई करना पता चल जाए, इसीलिए मैंने इसकी एक स्टेटमेंट आपको बताई है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करवाती हूँ इसी भाई। जैसे y प्लस टू 3 minus u 2 plus u, u इक्वल्स टू 4x 1 minus x² एंड फाइंड dy by dx। यस, तो अब आपके पास क्या है यहाँ पे, ये चेन रूल से रिलेटेड ही क्वेश्चन हुआ हमारा, इस वजह से ये हमारा चेन रूल भी कवर कर देगा। देखो क्या करना है, ये क्या है अपॉन में है, अपॉन का क्या मतलब है कि हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, क्वोशेंट रूल। तो dy by du प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल लगाना पड़ेगा 2 plus u का होल स्क्वायर, 2 plus u डेरिवेटिव ऑफ 3 minus u एज इट इज माइनस 3 minus u डेरिवेटिव ऑफ 2 plus u राइट यही करना पड़ेगा। यू अपॉन वी जो मैंने आपको क्वेश्चन रूल बताया, बस जस्ट फॉर्मूला वही लगाया। अब 2 plus u एज इट इज 3 minus u, 3 की तो 0 होती है और u की क्या हो जाएगी -1, तो यहां पे मैं क्या लिख देती हूँ -1 3 minus u, यहां पे 2 plus u की क्या होगी, 2 की 0 u की 1, तो 1 डेरिवेटिव ऑफ 2 plus u का होल स्क्वायर। यहां से अब हम इस सॉल्व करें -2 minus u minus 3 plus u 2 plus u का होल स्क्वायर, u से u कैंसल, -5 2 plus u का होल स्क्वायर ठीक है। ये हमारा क्या हो गया dv by du सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे du by dx, तो du by dx सॉल्व करते हैं, u इक्वल्स टू क्या है 4x 1 minus x², तो du by dx सेम क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, 1 minus x² डेरिवेटिव 4x का क्या होता है, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, 4x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 4 minus 1 minus x² 4x एज इट इज, 1 minus x² का क्या हो जाएगा -2x, मतलब कि क्या आ जाएगा 4 minus 4x² प्लस 4 2 8 8x² 1 minus x² का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा मेरा 4 plus 4x² 1 minus x² का स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है। अब देखो
एक्चुअली ये वाई था, यहाँ यू था, तो हमें यहाँ डीवी बाय डीयू निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में है फंक्शन? यू के। यहाँ यू है और साथ में एक्स है, तो हमने यहाँ डीयू बाय डीएक्स निकाला, ठीक है। लेकिन हमें जो चाहिए था वो डीवी बाय डीएक्स निकालते, तो चेन रूल क्या होता है? डीवी बाय डीएक्स निकालने का मतलब है कि डीवी बाय डीयू इंटू डीयू बाय डीएक्स, यू से यू कट जाएगा और डीवी बाय डीएक्स आ जाएगा, राइट। तो डीवी बाय डीयू भी पता है हमें, डीयू बाय डीएक्स भी पता है। तो डीवी बाय डीयू की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? डीवी बाय डीयू आया माइनस फाइव टू प्लस यू का होल स्क्वायर, यही आया। इंटू डीयू बाय डीएक्स क्या आया है? डीयू बाय डीएक्स आया मेरे पास फोर। यहाँ पे मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकती हूँ, फोर वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको फोर वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारा कैंसिल इसमें हो रहा है कैंसिल कर दो, अदरवाइज ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो चेन रूल में हमारे पास क्या होता है? फंक्शंस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे वाई है, वो किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? यू के। और यू है तो किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा डेरिवेटिव जो है वो हो पाएगा। आई होप आपको ये सब चीजें जो है वो क्लियरली समझ आ गई होंगी। इसमें जो है ये इसी को ही हम चेन रूल कहते हैं कि जिसमें निकालना तो डीवी बाय डीएक्स था, लेकिन फंक्शंस जो थे वो अलग अलग थे, ठीक है। यू में भी दे रखे थे, एक्स में भी दे रखा था, मतलब कि कितने फंक्शंस थे? वाई यू एक्स। लेकिन हमें निकालना था डीवी बाय डीएक्स, तो हमें कैसे जाना पड़ता है? तो डीवी बाय डीयू, डीयू बाय डीएक्स, मतलब कि एक तरफ से डीवी बाय डीएक्स जो होता है वो कैसे होता है? डीवी बाय डीयू अपॉन डीयू बाय डीएक्स। तो ये बस उसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटू डीएक्स बाय डीयू कर लो, या जैसे भी आपको इजी लगता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।